अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ फैसल शबीर। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक हैं। आज की ये वीडियो स्पेशली एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए है। आज आपको इस वीडियो में 6 अमेजिंग यूज़फुल ज़बरदस्त ऐप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये तमाम ऐप्स तमाम एंड्रॉयड यूज़र्स के बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, तो वीडियो को ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा, मुकम्मल और ध्यान से वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह एक एक ऐप आपके बहुत काम आएगा। एक ऐसा कैमरा ऐप जो मैं समझता हूँ कि तमाम एंड्रॉयड यूज़र्स के फ़ोन में इंस्टॉल होना चाहिए, उसका नेम है ओपन कैमरा। टोटली फ्री ऐप है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, 4.3 इसकी रेटिंग है और 50 मिलियन प्लस इसकी डाउनलोड्स हैं। यहीं से आप इसका आइडिया लगा लें कि लाखों नहीं करोड़ों लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कुछ तो खास बात है। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इस कैम के अंदर आपको बेशुमार ऑडियो की वीडियो की सेटिंग मिल जाती हैं, ऑप्शन मिल जाती हैं, फीचर्स मिल जाते हैं तरह तरह के। मैं जिस वजह से इस ऐप का रिव्यू कर रहा हूँ वो आपको सेटिंग मिलती है वीडियो सेटिंग में। यहाँ पे आपको मिलता है ऑडियो सोर्स। आप में से बेशुमार लोगों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आप एक्सटर्नल माइक यूज़ करते हैं तो वो आपके एंड्रॉयड फ़ोन पे काम ही नहीं करता, तो इस ऐप के अंदर आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसमें आपको ऑडियो सोर्सेज मिल जाते हैं, आपने जो माइक लगाया है उसको आप यहाँ पे इजीली चूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पे शो हो जाता है। इसके अलावा इस ऐप के अंदर बेशुमार फीचर्स मौजूद हैं जिन्हें आप यूज़ करके अपनी बेहतरीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, पिक्चर्स बना सकते हैं और वीडियोज़ बना सकते हैं। तो ओपन कैमरा ऐप को फ़ौरन डाउनलोड करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल ऐप है। एंड्रॉयड वालों, आप जब भी कॉल रिकॉर्ड करने लगते हैं तो फौरन अनाउंसमेंट हो जाती है कि आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है और जिसके साथ आप बात कर रहे होते हैं उसको मालूम हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप कॉल रिकॉर्ड करें तो वो साइलेंटली रिकॉर्ड हो, जिससे आप बात कर रहे हैं उसको मालूम ना हो, तो आपने ऐप इंस्टॉल कर लेना है TTSLEXX। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इसको यूज़ कैसे करना है ये मैंने एक मुकम्मल वीडियो बना दी है, इस वीडियो को वॉच कर लें। इसमें मैंने प्रॉपरली गाइड कर दिया है कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है और किस तरह से आपने रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट को ऑफ करना है। तो अनाउंसमेंट को ऑफ करने के लिए TSLEXX ऐप इंस्टॉल करें और इससे भरपूर फायदा हासिल करें। एक बहुत ज्यादा यूजफुल और अमेजिंग ऐप यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स, मेकर्स, फोटोग्राफर्स के लिए। आप किसी भी चीज़ में कुछ भी लिखा हुआ देखते हैं, आपको वो राइटिंग पसंद आ जाती है, वो फ़ॉन्ट पसंद आ जाता है, लेकिन आपको नहीं पता उस फ़ॉन्ट का नेम क्या है। जैसे इसको देख लें, इस पर भी 3-4 तरह के फ़ॉन्ट्स यूज़ किए गए हैं लेकिन हमें नहीं मालूम कि ये कौन से फ़ॉन्ट्स हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इंस्टॉल करना है व्हाट दी फ़ॉन्ट। ये आपको मिल जाएगा एप्पल में भी और एंड्रॉयड में भी। बहुत ही कमाल का यूज़फुल ऐप है। इसको आपने इंस्टॉल करके ओपन करना है और आपके पास जो भी चीज़ है आपने जस्ट उसको स्कैन करना है। ये देखें, यहाँ पे इसको करते हैं स्कैनिंग और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता है और आपको जिस भी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चाहिए आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और ये आपको चंद ही सेकंड्स में उस फ़ॉन्ट के तमाम टाइप्स आपके सामने ला के रख देगा। ये देखें, इसने इसका और इससे मिलते जुलते तमाम फ़ॉन्ट्स के नेम भी बता दिए हैं, उनकी टाइप्स भी बता दी है। ये देखें, इस तरीके से आप इस ऐप को यूज़ करके इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ऐप का नेम है व्हाट दी फ़ॉन्ट। आप लोग अपने लैपटॉप, पीसी, मैकबुक में गूगल क्रोम यूज़ करते हैं और उसमें तरह तरह की यूज़फुल एक्सटेंशंस को यूज़ करते हैं, जैसे रिकवर व्हाट्सएप डिलीटेड मैसेजेस। अगर आप उन्हीं एक्सटेंशंस को अपने मोबाइल में यूज़ करना चाहते हैं तो आपने इंस्टॉल करना है किवी ब्राउज़र। ये देखें, 4.2 इसकी रेटिंग है, 10 मिलियन प्लस इसकी डाउनलोड्स हैं, लाखों लोग इसके बारे में जानते हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं। इसमें आप हर तरह की गूगल क्रोम एक्सटेंशंस को इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इनको अपने लैपटॉप, पीसी, मैकबुक में यूज़ करते हैं वैसे आप इनको अपने मोबाइल में यूज़ कर सकेंगे। यहाँ पे आपको हज़ारों किस्म की यूज़फुल एक्सटेंशंस मिल जाती हैं। जैसे पहले मैंने बताया, आप अपने व्हाट्सएप के डिलीटेड मैसेजेस को, वीडियोज़ को, ऑडियोज़ को, पिक्चर्स को ईजिली रिकवर कर सकते हैं इस तरह के एक्सटेंशंस को यूज़ करके। तो किवी ब्राउज़र को इंस्टॉल करें और गूगल क्रोम की तमाम एक्सटेंशंस को ईजिली अपने मोबाइल पर यूज़ करें। VLC प्लेयर, इसके बारे में कौन नहीं जानता, ऑलमोस्ट हम सभी लोग इसको बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं। ये अंकल हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में एक तरीके से हमारे बहुत काम आ सकते हैं। कैसे? आपने कोई भी अपनी YouTube वीडियो प्ले की हुई है, शेयर पे जाना है और यहाँ से आपने चूज़ करना है प्ले विद VLC। जब आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर ये वीडियो आपकी VLC में प्ले हो जाती है और यहाँ मेन्यू में आपको ढेर सारी ऑप्शन मिल जाती हैं। यहाँ पे देखें, प्ले एज ए ऑडियो, अपनी वीडियोज़ को ऑडियो में आप इजीली सुन सकते हैं। अपने मोबाइल की स्क्रीन को ऑफ करके सुनना चाहें तब भी आप सुन सकते हैं। पॉप अप प्लेयर आपको मिल जाता है, आप इसको छोटा करके कोई और काम करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, साथ आपकी वीडियो भी चलती रहेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर इक्वलाइजर मिल जाता है, प्लेबैक स्पीड मिल जाती है, स्लीप टाइमर मिल जाता है, लॉक मिल जाता है, रिपीट मोड मिल जाता है। इस तरीके कैसे YouTube वीडियोस को VLC में प्ले करके VLC के ये तमाम के तमाम एक्स्ट्रा फीचर्स को आप इजीली यूज कर सकते हैं। एंड्रॉयड वालों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त यूज़फुल अमेजिंग ऐप है जिसका नेम है यूजेज एनालाइजर। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये आपके लिए यूज़फुल कैसे है, ये आपको बताता है कि आपने
किस ऐप को कब इंस्टॉल किया था, कितने महीने, कितने घंटे, कितने दिन, कितने सेकंड आप उसको यूज कर चुके हैं, वो ऐप आपका कितना इंटरनेट डाटा खा चुका है, आपके मोबाइल की कितनी स्पेस ले रहा है, आपने उसको कब कब कितनी कितनी देर यूज किया है, और ऐसी बहुत सी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है इस ऐप के अंदर। आपको आइडिया हो जाता है कि आप किस ऐप पे कितना ज्यादा वक्त लगा रहे हैं, आप किस ऐप के एडिक्ट हो चुके हैं, कौन सा ऐप आपके लिए फायदेमंद है, कौन सा ऐप आपको नुकसान दे रहा है। इसमें आप इन चीजों को मुकम्मल तौर पर एनालाइज कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त यूजफुल ऐप है यूजेज एनालाइजर, इसको इंस्टॉल करें, इससे भरपूर फायदा हासिल करें। तो ये थे एंड्रॉयड के 6 यूजफुल, अमेजिंग और जबरदस्त किस्म के ऐप्स। तमाम के तमाम ऐप्स टोटली फ्री हैं, कोई चार्जेस नहीं है, इन्हें इंस्टॉल करें और इनके फीचर से भरपूर फायदा हासिल करें। इन तमाम ऐप्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आपको इनमें से कौन सा ऐप सबसे अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामुअलैकुम।